Hi everyone, welcome to my YouTube channel ComTutes. I hope you all are learning well with ComTutes. So this is tutorial number 33 of Statistics for Economics for class 11. And in this tutorial, we are going to start new chapter, that is chapter number 9, which is Measures of Central Tendency Arithmetic Mean. ओके चैप्टर नंबर 9 से आपका जो न्यूमेरिक सेक्शन है वो स्टार्ट होगा एंड ऑल दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें हम थियोरेटिकल सेक्शन करेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, इसका पर्पज क्या है एंड वट आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. ओके तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर न्यू विजिटर ऑन दिस चैनल एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो टू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो आपका चैप्टर है. ओके लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब यहाँ से आपने हर एक चीज जो आपने बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें आपके लिए न्यू हैं, तो मैं आपको हर एक चीज जो वो बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है. तो जो आपका चैप्टर का नेम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब है क्या, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी है क्या. तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ओके, मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी. ओके नाउ व्हाट इज मेजर. मेजर का मतलब होता है मेथड्स और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज. ओके मेजर का मतलब क्या होता है मेथड्स, वेयर एज सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज. ओके नाउ व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये एक वो वैल्यू होती है, बेसिकली ये वो सेंट्रल वैल्यू होती है जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल आपके लोकेलिटी में 10 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, लाइक हमने आपकी लोकेलिटी का नाम रखा है अर्बन फेज 1, ठीक है, वहां पर फॉर एग्जांपल 10 फैमिलीज रहती हैं. नाउ आपने वहां पर कलेक्ट किया कि आपके जो एरिया है अर्बन फेज 1 वहां पर जो 10 फैमिलीज रहती हैं उनकी मंथली इनकम कितनी है, आपने उस चीज पर डाटा कलेक्ट किया. ओके फॉर एग्जाम्पल जो फैमिली 1 है उनकी जो मंथली इनकम है वो है 15,000, फैमिली नंबर 2 की है 25,000, फैमिली नंबर 3 की है 30,000, फैमिली 4 की है 20,000, फैमिली 5 का है 25,000, फैमिली 6 की है 35,000, फैमिली 7 की है 40,000, फैमिली 8 की है 25,000, फैमिली 9 की है 30,000 एंड फैमिली 10 की है 20,000. ओके तो आपने अपनी लोकेलिटी में जितनी भी 10 फैमिलीज रहती हैं उनका अपने मंथली इनकम का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया. ओके अब कोई बाहर से आपकी कॉलोनी में जो है फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है वो आते हैं ये देखने के लिए कि अर्बन फेज 1 में जो 10 फैमिलीज रहती हैं उनकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है. अब वो आपसे पूछते हैं कि हाँ जी आप बताओ कि आपके एरिया में जितनी भी फैमिलीज रहती हैं उनकी मंथली इनकम कितनी है. अब आप ऐसे नहीं बताओगे कि फैमिली 1 की 15,000 है, फैमिली 2 की 25,000 है, फैमिली 3 की 30,000 है एंड सो ऑन, ऐसे नहीं बताओगे और ना ही ऐसे आपको याद रहेगा और जो भी पूछने वाला है जो इंक्वायरी कर रहा है ऑब्वियसली उसको भी नहीं याद रहेगा. तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डाटा होता है उसकी हम एक सेंट्रल वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, वो सेंट्रल वैल्यू जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. नाउ से आपने जो 10 फैमिलीज का डाटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग योर मंथली इनकम, तो अब आपने जब इसका टोटल किया तो ये आया अराउंड 2,65,000 रुपीज और 10 फैमिलीज है, तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपका जो ऑन एन एवरेज है वो आया 26,500, ठीक है. तो मिस्टर एक्स जो आपसे पूछते हैं कि आपके एरिया में जो 10 फैमिलीज रहती हैं उनकी ऑन एन एवरेज मंथली इनकम कितनी है, तो आपने उनको बोला कि सर जो हमारे एरिया में जितने लोग रहते हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम जो है वो है 26,500. नाउ ये जो 26,500 क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी कि ये एक सेंट्रल वैल्यू है जिसने आपके पूरे डाटा को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है. नाउ 26,500 जो है वो एवरेज मंथली इनकम है. अब इसका मतलब ये है कि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में फैमिलीज रहती हैं उनकी जो इनकम है वो 26,500 के आसपास है, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नहीं होगी और उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगी, यानी कि नियर बाय जो है वो 26,500 ही है,
ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, और यू कैन से वो सेंट्रल वैल्यू जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। वो तीन मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास मीन, एक होता है मीडियन, एंड द लास्ट वन इज मोड, ओके। एंड ऑल दीज मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी विल डिस्कस इन दीज चैप्टर्स, ओके। सो बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो आपके पूरे डाटा को, यानी कि होल सीरीज ऑफ डाटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दो स्कूल दिए गए हैं, ठीक है। से ये स्कूल है एबीसी स्कूल और ये स्कूल है एक्स वाई जेड स्कूल, ओके। अब आपको यहाँ पर जो है एबीसी स्कूल में क्लास 11 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा दिया गया है कि क्लास 11 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है उनके टर्म वन में जो है स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, उस चीज का आपको डाटा दे रखा है कि एबीसी स्कूल में क्लास 11 कॉमर्स में से 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड उन 50 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए हैं उसका आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक्स वाई जेड स्कूल में भी प्लस वन कॉमर्स में जो टर्म वन के एग्जाम्स हुए हैं उसमें 50 स्टूडेंट्स का जो है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब आप एबीसी स्कूल के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके आपको अगर स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कंपेयर करने हैं एक्स वाई जेड स्कूल के स्टूडेंट्स से, तो उसको कंपेयर करना जो वो मुश्किल है भाई, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स जो डायरेक्टली दे रखे हैं तो डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ना ही हम उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं और ना ही हम उसमें से कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर ना। ऑन दी अदर हैंड अगर ये जो आपको सारा डाटा दे रखा है कि इसे अगर आपको यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड आपने उसमें उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है यानी कि एवरेज, तो वो जो सिंगल फिगर है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप ये बताएंगे कि एबीसी स्कूल में ना स्टैटिस्टिक्स में ऑन एन एवरेज जो है ना स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 प्लस आए हैं और एक्स वाई जेड स्कूल में ऑन एन एवरेज मार्क्स जो है वो 90 के आसपास आए हैं, ठीक है। तो जब आपने ये एक सिंगल फिगर जो है बता दी तो इससे क्या होता है कि उस डाटा को कंपेयर करना, उस डाटा को अंडरस्टैंड करना, उस डाटा को एनालाइज करना एंड उस डाटा से कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना जो वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। एंड दिस इज द बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि जो हमारा मास में डाटा होता है यानी कि जो हमारा बल्क में डाटा होता है, क्योंकि उस डाटा को अंडरस्टैंड हम नहीं कर पाते जब आपको इतनी सारी फिगर्स दी होती है। फॉर एग्जांपल आपको 100% का डाटा दे रखा है एंड आपको बोला जाता है कि इन 100% के डाटा में से आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, आप नहीं कर सकते क्योंकि 100% के डाटा को अंडरस्टैंड करना ही एक डिफिकल्ट काम है। वही जब उस डाटा को रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल फिगर तो उस डाटा को अंडरस्टैंड करना, उस डाटा को एनालाइज करना, उसको कंपेयर करना, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना जो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। तो ये जो सिंगल फिगर हम फाइंड आउट करते हैं जो जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर हम उसको बोलते हैं मेजर ऑफ लोकेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं एवरेज, ओके। सो दिस इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लियर। अब हम इसको रीड करते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो थ्योरेटिकल सेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं आप ये मत सोचना कि मीन मीडियन मोड में से आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें से आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे 1-2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एवरेजेस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चैप्टर में प्रैक्टिकल तो इम्पॉर्टेंट होता ही है बट उसके साथ साथ थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट होती है, सो दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया करो, ओके। सो नाउ लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ये वो सेंट्रल वैल्यू है और या हम कह सकते हैं कि ये वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है,
क्लियर। सो अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ बेसिकली इट इज अ सेंट्रल वैल्यू जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके लोकेलिटी में 10 फैमिलीज रहती हैं, आपने उनका डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक सिंगल फिगर जो फाइंड आउट करी है 26,500। अब ये जो सिंगल फिगर 26,500 जो है, ये इस पूरे डाटा को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू, और यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, क्लियर। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ फिगर्स एंड ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम्स कॉन्सेंट्रेट अराउंड इट। इन अदर वर्ड्स, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। सच एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 26,500 आया है, ये जो सिंगल फिगर आई है, यानी कि जो आपकी एवरेज आई है, दिस इज विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। यानी कि 26,500 से ना ही तो बहुत ज्यादा होगी इनकम और ना ही 26,500 से बहुत कम होगी। अब आप देखो ये जो सारी वैल्यूज है ना, यानी ये जो सारी मंथली इनकम है, ये इसके आसपास ही है। देखो 15,000, 25,000, 30,000, 25,000, 35,000, 40,000, 25,000, 30,000, 20,000। सो जो भी हमारी एवरेजेस आते हैं, यानी कि या जो भी हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है, दीज आर समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा, ओके। एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज वैल्यू और मेजर ऑफ लोकेशन, ओके। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। अगेन वही बात है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ये एक वो सिंगल फिगर है जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को हम सेंट्रल वैल्यू या फिर हम इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी बोलते हैं, ओके। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर्स ऑफ लोकेशन और एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। आई होप आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जब आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब थ्योरी पार्ट ही नहीं पता होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एवरेज क्या है, तो फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हर एक चीज को, चाहे वो छोटा टॉपिक है चाहे बड़ा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज को अच्छे से समझा करो, तभी हर एक चीज जो आप लोगों के माइंड में अच्छे से फिट होगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। ये 2 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ कर जाना, ओके। तो फर्स्ट पर्पस एंड फंक्शन क्या है एवरेज का, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एवरेज का मेन पर्पस क्या होता है, टू प्रेजेंट द डाटा इन अ सिंपल एंड सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। जब हम बल्क ऑफ डाटा को, यानी कि जो हमारे पास मास में डाटा है, इतना सारा डाटा है, जब हम उस डाटा को एक सिंगल फिगर में रिड्यूस कर देते हैं, तो उस डाटा को अंडरस्टैंड करना, उस डाटा को एनालाइज करना, उस डाटा को कंपेयर करना एंड उस डाटा से कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, जब वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। सो एवरेज का मेन पर्पस क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एंड इसकी वजह से क्या होता है, डाटा कैन बी इजीली अंडरस्टूड, ओके। नंबर सेकंड पर्पस एंड फंक्शन क्या है एवरेज का, दैट एवरेजेस आर हेल्पफुल इन कंपैरिजन। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट सेट ऑफ डाटा को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेजेस, ठीक है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, जो स्कूल वाले एग्जांपल दिया था, कि आपको अगर एबीसी स्कूल के 50 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए और एक्स वाई जेड स्कूल के 50 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए क्लास 11 के, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर एवरेज दे रखी है कि से इनके 85 के आसपास है और इनके 90 के आसपास है, तो आप इस डाटा को इजिली कंपेयर कर सकते हो कि एक्स वाई जेड स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स से वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एबीसी स्कूल के, ओके। सो एवरेजेस आर बेसिकली हेल्पफुल इन कंपैरिजन आल्सो, ओके। और इसका एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपको इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम दे रखी है और यूएसए की एवरेज पर कैपिटा इनकम दे रखी है। जब वो आप एवरेज देखते हो तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी लो है एज कम्पेयर टू यूएसए की एवरेज पर कैपिटा इनकम, ओके। एंड इस बेसिस पे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि इंडिया जो है वो पुअर कंट्री है एज कम्पेयर टू यूएसए इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, ओके। सो जब हम एवरेजेस होते हैं, जब हम इतने सारे डाटा को एक सिंगल फिगर में रिड्यूस कर लेते हैं, तो उस डाटा को कंपेयर करना जो है वो काफी ईजी हो जाता है,
क्लियर। उसके बाद नंबर थर्ड पर्पस और फंक्शन क्या है एवरेजेस की, दैट इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया था सेकंड वाले पॉइंट में कि जैसे हमें ये पता चला डाटा को कंपेयर करके कि इंडिया की जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो लो है कंपेयर टू यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज पता लगे कि इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या है, वो कम है। ठीक है, नाउ ऑन दिस बेसिस गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल पॉलिसीज टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। ओके, सो एवरेजेस आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। क्लियर। उसके बाद नंबर फोर पर्पस क्या है एवरेजेस का, दैट इट इज अ बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा कलेक्ट करते हैं कि हर एक स्टूडेंट के जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो कितने मार्क्स आए हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट वाइज जो है उनके मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट जो है से अकाउंट्स में जो है वो वीक है। वाई? बिकॉज अकाउंट्स में सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं। ठीक है, एंड ऑन दिस बेसिस हम उस चीज पर जो वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इट इज अ बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि हम जो अपना डाटा को इजिली एनालाइज कर पाते हैं जब हम अपने बल्क में डाटा को एक सिंगल फिगर में रिड्यूस कर लेते हैं। ओके, एंड नंबर फाइव पर्पस ऑफ एवरेजेस इज दैट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स और यू कैन से वन वैल्यू फॉर ऑल। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो एवरेजेस होती हैं ये आपके सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब जैसे आपने इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट करी। ठीक है, अब इससे आपको ये पता चलता है कि इंडिया की एक्चुअल में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी है। ओके, सो बेसिकली एवरेजेस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स और यू कैन से वन वैल्यू फॉर ऑल। ओके, सो दीज आर द मेन पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवरेजेस। क्लियर, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर कर जाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। दिस टॉपिक इज ओनली फॉर योर बेटर क्लैरिटी। ओके, सो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है गुड एवरेज की। नंबर वन, दैट इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। नंबर सेकेंड, इट शुड बी सिंपल टू कॉम्प्यूट। नंबर थर्ड, इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड। नंबर फोर, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। एंड नंबर फाइव, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ओके, सो ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। जब आपका वाइवा होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के कितने टाइप्स होते हैं। सो यू मस्ट नो कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। ओके, नंबर वन इज मैथमेटिकल एवरेजेस एंड नंबर सेकेंड इज पोजिशनल एवरेजेस। ओके, आप इसको याद रख सकते हैं एमपी से। ओके, एमपी मध्य प्रदेश एंड एमपी, एम फॉर मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पी फॉर पोजिशनल एवरेजेस। ओके, नाउ इन मैथमेटिकल एवरेजेस वी हैव अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड इन पोजिशनल एवरेजेस वी हैव मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। ओके, एंड आपके क्लास 11 के सिलेबस में आपके पास सिर्फ अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है एंड मोड है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन एंड पार्टीशन वैल्यू टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, एंड दिस प्रेजेंट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 टोटली फोकसेस ऑन अरिथमेटिक मीन। ओके, तो अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये आपको प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट एक बार स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग जो है वो भी रीड कर लेते हैं। सो अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। इट इज जनरली नोन एज मीन। अरिथमेटिक मीन को हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, जो भी आपको आइटम्स दी होती हैं उन सब आइटम्स को हम ऐड करते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करते हैं, तो वो आपका क्या आ जाता है, अरिथमेटिक मीन। यानी वो जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, या फिर आप कह सकते हैं मीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी दे रखी है, से 10, 20, 30, 40 एंड 50। आपको डाटा दे रखा है 5 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी का। ओके, अब हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 20 = 30, 30 + 30 = 60, 60 + 40 = 100 एंड 100 + 50 = 150, उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 30। ओके, तो ये जो 30 रुपीज आए हैं ये क्या है आपके अरिथमेटिक मीन, और यू कैन से मीन। ओके, सो ये होता है बेसिकली आपका अरिथमेटिक मीन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब जो अरिथमेटिक मीन होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, नंबर वन इज सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड नंबर सेकेंड इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन, फिर सिंपल अरिथमेटिक मीन के बाद हम समझेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, एंड इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल कंटिन्यू विद सिंपल अरिथमेटिक मीन। ओके, एंड फिर हम उसकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से बेसिकली स्टार्ट होगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का काम। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करी हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज और योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। एंड इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स की स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को ही और स्टार्ट करेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन। ओके, एंड इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, देन प्लीज टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।